सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये प्लस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पास प्रोजेक्ट असिस्टेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पास आप कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पास हम प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम दूसरा और लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम लिखने के बाद यहाँ पास आपको वीडियो चॉइस करना है, जिस वीडियो में आप चलते हुए टैक्स डालना चाहते हैं उसे आप चॉइस कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पास एक वीडियो चॉइस कर लेते हैं, यहाँ पास हमने एक वीडियो चॉइस कर लिया। उसके बाद हमको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आप देखेंगे ये इस प्रकार ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लेयर पे क्लिक कर दीजिए। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको ऑप्शन है टैक्स का, टैक्स पे क्लिक कर दीजिए। अब टैक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास टैक्स लिखने का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पास आप लिख लीजिए। जैसे हम यहाँ पास लिख देते हैं हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखिए ये जो आपको टैक्स आया है, उस टैक्स को आप यहाँ पास राइट कॉर्नर पे ले जाइए और थोड़ा सा भाग दिखाइए उसमें, जो ऐसा लगे कि वहाँ से जो टैक्स है वो आ रहा है। उसके बाद आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पास, देखिए फुल यहाँ पास और बहुत सारे और ऑप्शन हैं, आप बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर को ऑन भी कर सकते हैं, जैसे हम बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए आप टैक्स पे क्लिक कर दीजिए। टैक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास देखिए चाबी का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पास चाबी के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप इस जो आपने टैक्स लिखा है उसे बगल कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पास प्लस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको केवल अपना जो टैक्स है जिस प्रकार जैसे शो करना है कि वो किस प्रकार जाए, उसी प्रकार आपको उसे स्लाइड करना है। जी हाँ, उसे उसी प्रकार स्लाइड कीजिए जिस प्रकार आप चाहते हैं कि ये दिखे, ठीक है। ये इस प्रकार जैसे हमने स्लाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पास आप कुछ भाग दिखा सकते हैं कि कुछ भाग के बाद ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आप राइट पे क्लिक कर दीजिए। अब राइट पे क्लिक करने के बाद हम देख लेते हैं कि ये वीडियो किस प्रकार दिखेगा, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं प्ले करके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कंप्यूटर मोबाइल एंड नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल कंप्यूटर मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी पे। तो देखिए आप अगर इसका लेंथ को मतलब बढ़ा देते हैं, इसके साइज को, तो देखिए ये स्लो हो जाएगा, मतलब स्लो रूप से वो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास हम स्लो कर देते हैं। अब यहाँ पास प्ले करके देख लीजिए आपने जो टैक्स लिखा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कंप्यूटर मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी पे स्वागत है। तो इसमें और जो बैकग्राउंड है इफेक्ट उसे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको बैकग्राउंड इफेक्ट उसमें डालना है तो आप यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर पर क्लिक कर दीजिए, उसे ऑन कर दीजिए और यहाँ पर देखिए फुल वेथ बैकग्राउंड इसे भी क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये इस प्रकार हो जाएगा। अब देखना अब इसके बाद क्या होगा, किस प्रकार ये दिखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम प्ले कर देते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कंप्यूटर मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी पे स्वागत है। इस वीडियो में हम बात इस प्रकार आप जो अपने कोई भी वीडियोस, आप किसी भी प्रकार के वीडियोस बनाएं उस वीडियो में आप चलते हुए टैक्स डाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक का, अपना कमेंट लिखिए और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।